Hi guys, so today I will be starting a new subject which is name is Pharmaceutical Organic Chemistry 3. इसमें सबसे पहले हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 3 स्टार्ट करने के पीछे एक कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से पूछे जाते हैं. इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का यूज हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी है. क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में जितने भी ड्रग हैं उन ड्रग का स्ट्रक्चर इसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मिलकर बना होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन क्या है. दिस आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर इन विच इट कंटेन एटलीस्ट टू हेट्रो एटम. ट्रिक फॉर लर्निंग सन कौन कौन से हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मतलब ये यही है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये जो कंपाउंड है ये मिले होंगे, वही मिलके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए हेट्रो एटम का हम डिफिनेशन देखते हैं. हेट्रो एटम का डिफिनेशन क्या होगा, द एटम विच आर प्रेजेंट इन रिंग अदर देन कार्बन इज नोन एज हेट्रो एटम. क्या मतलब समझ में आया, कोई रिंग है, उस रिंग में नाइट्रोजन कंपाउंड अटैच है, ये मिलकर फॉर्मेशन किया पायरोल का, ये क्या हुआ, एक हेट्रो एटम है. यहां पे एक कार्बन जो है रिमूव हुआ, उसके जगह पे नाइट्रोजन अटैच हुआ, ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया. तो अब हम देखते हैं आखिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन किस तरीके से है. क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. ये 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर और लास्ट में फ्यूज्ड मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं. अब देखते हैं आखिर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कुछ एग्जांपल देखते हैं. इस यूनिट में जो देखने को मिल जाएगा वो हमारा है पायरोल, फ्यूरोन और थायोफीन. बात करते हैं यूनिट 4 में हमको भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि इमीडाजोल. इमीडाजोल क्या है, हमारा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. अब बात करते हैं 6 मेंबर. 6 मेंबर क्या है, 6 मेंबर में आपका आएगा पाइरीडीन और पाइरीमिडीन. अब 7 मेंबर, 7 मेंबर तो आपको ना तो यूनिट 3 में देखने को मिलेगा ना तो यूनिट 4 में देखने को मिलेगा, पर एज ए नॉलेज आपको जान ले 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो दिखने को और भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेंगे, इसलिए जान लीजिए. ऑक्सीपेन जो है ये आपका एक 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 4, 5, 6, 7 ये आपका 7 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. अब बात करते हैं फ्यूज मेंबर. फ्यूज मेंबर वो कंपाउंड होते हैं जो कि दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक फ्यूज मेंबर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि इंडोल. इंडोल को हम बेंजो पायरोल भी करते हैं क्योंकि इसमें बेंजीन और पायरोल ये मिलके इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, आइसोक्यूनोलिन और लास्ट में
क्विनो क्विनोलिन, ये आपके एग्जांपल हो गए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो अब हम देखते हैं ये जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हैं इसको एक समरी वे में एक फ्लो चार्ट के द्वारा जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको यूनिट 3 या यूनिट 4 में देखने को मिला है उसको एक फ्लो चार्ट के द्वारा सारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को देख लेते हैं, उससे हमको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको केवल जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन है सब वो बस देखना रहेगा, बाकी आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रहेंगे। बात करें इस यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपको पाइरोल फ्यूरॉन और थायोफिन का क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपको सिंथेसिस देखना है, रिएक्शन देखना है, साथ में मेडिसिनल यूज देखना है, इसके साथ साथ आपको रिएक्टिविटी और रिलेटिव एरोमेटिसिटी देखना है। तो अब उस फ्लो चार्ट के द्वारा जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 में उसको कवर करते हैं। तो अब देखते हैं एक समरी वे में पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। मैं 3 साइक्लिक कंपाउंड लूंगा, उसके साथ ही सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके कवर हो जाएंगे। वो 3 साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? पहला है आपका बेंजीन, दूसरा है पेंटेन और तीसरा है हेप्टेन। बेंजीन, पेंटेन और हेप्टेन, इन 3 साइक्लिक कंपाउंड को लेते हुए मैं यूनिट 3 के यूनिट 4 के जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है सबको कवर करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पेंटेन। पेंटेन पे अगर जो एक नाइट्रोजन हम लगा देंगे तो वो बनेगा पाइरोल, ठीक। अगर हम पाइरोल पे एक बेंजीन को अटैच करते हैं तो हमारा बन जाएगा इंडोल। ये बन गया आपका इंडोल। अब देखते हैं कुछ और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। अगर हम पाइरोल पे ये पेंटेन के जगह पे अगर हम इस नाइट्रोजन को रिमूव करके अगर जो एक ऑक्सीजन लगा देते हैं तो ये आपका बन गया फ्यूरॉन। अगर जो इसी ऑक्सीजन के जगह पे आप सल्फर लगा देते हैं तो ये आपका बन जाता है थायोफिन। अब बात करते हैं पाइरोल की। अगर जो आप पाइरोल पे एक और नाइट्रोजन जोड़ देते हैं यहां पे तो आपका बनता है पाइराजोन, ठीक। अगर इसी नाइट्रोजन को आप इधर लगा देते हैं तो आपका बन जाता है इमिडाजोल, यह हो गया इमिडाजोल। अब ये जो फ्यूरॉन है अगर आप इस फ्यूरॉन पे एक नाइट्रोजन अटैच कर देते हैं इस पोजीशन पे तो आपका बन जाता है ऑक्साजोल। अब बात करते हैं अगर जो यही थायोफिन पे काम करेंगे अगर जो एक और नाइट्रोजन जोड़ दिए इस पोजीशन पे तो क्या होगा, तो आपका बन जाएगा थायोजोल, ये बन गया आपका थायोजोल। अब हम देखते हैं बेंजीन, बेंजीन से बनने वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। तो बेंजीन का भी ट्रिक देख लेते हैं। आखिर बेंजीन अपने अंदर ऐसी कौन सी ट्रिक छिपाए रखा है? ये रहा आपका बेंजीन, ठीक। बेंजीन पे
अगर जो एक नाइट्रोजन लगाती है, एक नाइट्रोजन लगाया है यहां पर, तो ये बना आपका पाइरीडीन। क्या बना ये आपका? पाइरीडीन। अगर जो पाइरीडीन पे एक बेंजीन जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक बेंजीन जोड़ते हैं, ये रहा बेंजीन और ये रहा पाइरीडीन, ठीक। तो ये पाइरीडीन जोड़ने से ये बन जाएगा क्विनोलीन। क्या बना? क्विनोलीन। और अगर इस नाइट्रोजन को हम यहां पे शिफ्ट करते हैं यहां पे, तो क्या बनता है आपका कंपाउंड, देखते हैं उसको भी। तो ये बन गया आपका आइसो क्विनोलीन, ठीक। ये बन गया आपका आइसो क्विनोलीन। और अगर जो दो बेंजीन रिंग जोड़ देते हैं इसमें, एक इधर और एक इधर, तो ये बन गया एक्रिडीन। क्या बना? एक्रिडीन, ठीक है। अब बेंजीन के कुछ और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो बन रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर जो बेंजीन पे दो नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, अगर बेंजीन पे दो नाइट्रोजन जोड़ देते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, तो ये बन गया आपका पाइरीमिडीन। ये क्या बन गया आपका? पाइरीमिडीन। और अगर जो पाइरीमिडीन पे एक इमिडाजोल या पायराजोल लाइक स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया आपका प्योरीन। ये क्या बन गया आपका? प्योरीन। अब जो मैंने एक सेवन मेंबर हेप्टेन से एक स्ट्रक्चर बताया है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? हेप्टेन, ठीक। और इससे बनने वाले कंपाउंड को देखते हैं। अगर यहां पे हम नाइट्रोजन लगा देते हैं तो ये क्या बना? ये बन गया आपका 1H Ag-, ये बन गया आपका 1H Ag-। नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी एक सेवन मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको भी आप क्लासिफिकेशन में जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया उसमें इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। अब 1H Ag-, के कुछ और फर्दर टाइप हैं। जब भी आप Ag-, को लिखेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर को बनाइए। एक होता है 2H Ag-, एक होता है 3H Ag-, और एक होता है 4H Ag-। देखते हैं ये आपका 2H Ag-, बना रहा हूँ। यहाँ पे बॉन्डिंग हुई और एक यहाँ पे बॉन्डिंग हुई और एक यहाँ पे बॉन्डिंग हुई। ये बन गया आपका 2H Ag-, ठीक। 3H Ag-, देखते हैं, ये यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर लगा, ठीक, यहाँ पे, ठीक, 1, 2, 3,
यहाँ छोड़ देते हैं, ये बन गया आपका 3H Azepine। ठीक, अब 4H Azepine देख लेते हैं। यहाँ पे लगा दिए नाइट्रोजन, ठीक है, ये यहाँ पे है एकदम सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका 4H Azepine। ठीक, आई होप यू गाइज यू आर क्लियर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को जो मैंने बताया है, शायद ही कोई इस तरीके से आसान वे में आपको पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कवर करे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं पूरे फार्मेसी के वीडियो को इस कदर से पढ़ाऊंगा कि आपके पूरे सेमेस्टर के साथ साथ आपको ये चीज़ें इस तरीके से तैयार होंगी कि आप कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम पाइरोल को डिस्कस करेंगे। पाइरोल में हम सिंथेसिस रिएक्शन, उसके मेडिसिनल यूज के साथ साथ हम उसके रिएक्टिविटी और रिलेटिव एरोमेटिसिटी को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, सो एट द लास्ट थैंक यू।